हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल के बारे में। एक्सेल की जो भी पुरानी वीडियोस बनी थी उस पर बहुत अच्छे व्यूज आए और आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी जिन्हें लाखों लोगों ने देख लिया है, तो आप जाके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसे देख सकते हैं। और उसके अलावा उसमें कई सारे डाउट्स भी थे, तो आज हम इस डाउट को क्लियर करेंगे कि हमें एक्सेल करना चाहिए या एडवांस एक्सेल। पहले थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें बेसिकली सीख लेनी चाहिए या फिर पहले ही चीज़ों को एडवांस लेवल पर ले जाना चाहिए। तो आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं बेसिक एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल को। तो अगर बात करें बेसिक एक्सेल के बारे में, तो बेसिक एक्सेल में आप कई सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल कैसे पीपीटी बना सकते हैं या कैसे डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, और उसमें भी आप कई सारे फॉर्मूलाज को सीखते हैं जिसका टाइम पीरियड अराउंड टू बी 1 to 1.5 मंथ के आसपास होता है। लेकिन अगर हम बात करें एडवांस एक्सेल की, तो उसका टाइम पीरियड 5 to 6 मंथ होता है, जिसके अंदर हम पूरा एक्सेल को 0 से लेकर 100 तक सारी चीज़ें समझते हैं। और अगर बात करें एडवांस एक्सेल की, तो उसमें हम 0 से लेकर 100 तक हर एक बात को सीखते हैं। शुरुआत में बेसिक्स फॉर्मूलाज सीखते हैं और एंड तक उसमें जितने भी फॉर्मूला उसमें रिलेटेड है वो सारी चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि एक्सेल के अंदर कई सारे फॉर्मूलाज होते हैं और उसे यूज़ करने की कई सारी टेक्निक्स होती है, जिसमें हम कई सारे प्रैक्टिकल द्वारा उसको समझते हैं। आप अपने आसपास की किसी भी इंस्टीट्यूट से एक्सेल और एडवांस एक्सेल दोनों ही सीख लेते हैं। लेकिन बात यह आती है कि अभी हमें कौन सा सीखना चाहिए। पहले अगर आपने कंप्यूटर अभी तक यूज़ ही नहीं किया है, तो पहले आपको नॉर्मल बेसिक कोर्स करना चाहिए, सारी चीज़ों को बेसिक लेवल पर सीखना चाहिए, चाहे वो बेसिक एक्सेल हो, चाहे बेसिक टैली हो, चाहे बेसिक पावर पॉइंट हो या बेसिक एमएस ऑफिस की कोई भी सॉफ्टवेयर हो। आपको सबको बेसिक लेवल पर सीखना ही चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल पर तो चलानी आनी ही चाहिए। और अगर आप सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ बेसिक लेवल पर ही सीखना चाहिए, तब आपको एडवांस लेवल पर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सेल करके तुरंत जॉब लेना चाहते हैं, आप एक्सेल में प्रो बनना चाहते हैं, एडवांस लेवल पर जाना, तो इन सबको बेसिक लेवल पर सीखने के बाद आप एडवांस एक्सेल की ओर जा सकते हो। इसके अंदर आप डीप में सारी चीज़ें सीखोगे कि वी लुकअप क्या है, एच लुकअप क्या है, पायवट टेबल क्या है, इनकी फॉर्मेटिंग कैसी होती है, इनको यूज कैसे किया जा सकता है और इनकी एक्चुअल एप्लीकेशंस क्या है। शुरुआत में आप एडवांस लेवल पर किसी भी इंस्टीट्यूट से सीख सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस के लिए आपको कहीं ना कहीं जॉब करना होगा जहां पर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट के अंदर सीखा गया एक्सेल और ऑफिस में यूज़ किए गए एक्सेल में काफ़ी डिफरेंस होता है। वो आपको एक्सपीरियंस सिर्फ ऑफिस में काम करने के बाद ही मिल सकता है। तो आप बेसिक लेवल पर पहले सारी चीज़ें सीखो, फिर अगर आपको जॉब करनी है तो आप एडवांस एक्सेल सीखो और आराम से 3-4 महीने के लिए किसी भी ऑफिस में जाके किसी भी इनकम पे, किसी भी सैलरी पे काम करने के लिए लग जाओ। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का एक्सेल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आराम से आप 20 to 25 के स्टार्टिंग सैलरी के साथ कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे और कितना आगे तक जाओगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल roshangupta1804 पे भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।